रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड? उम्मीद और यकीन है कि आप लोग खैर वाफिया से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको सेहत, जिंदगी, लतादात खुशियां दे और आपका दस्तखान हमेशा भरा रहे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी पॉपकॉर्न, स्वीट पॉपकॉर्न का ना, तो मेरी किस फ्रेंड ने मुझसे बोला है कि वो अच्छे से फूलते नहीं हैं, तो मैं और साथ ही वो कहते हैं कि मक्खन में बनाना लाजमी है या किसी और में, लेकिन मैं उनके लिए आज फिर दोबारा से एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसका नाम मैं दूंगी पार्ट वन, क्योंकि ये दो हिस्सों में बनाऊंगी। एक में मीठे दाने बनाऊंगी और दूसरे में ये मीठे दाने इसलिए कह रही हूँ कि मैं स्वीट पॉपकॉर्न का नाम इसलिए नहीं दूंगी कि वो कैरामल, क्योंकि ऑलरेडी वो वीडियो पहले मौजूद है। इस दफ़ा मैं बनाऊंगी गुड़ वाले, वो भी बहुत टिप्स और ट्रिक्स के साथ। जी हाँ, और फ्रेंड्स आ जाते हैं कि अपनी के वो फूलते क्यों नहीं है और उसमें किस में उसके बाद मक्खन के अलावा किस किन चीज़ों में बन जाते हैं। आप उसे ऑलिव ऑयल में बना लें, उसमें कुकिंग ऑयल जो नॉर्मल घर में होता है वो कर लें। जैसे कि ये देखें, मैं ना आपके सामने दो एक चम्मच डालने लगी हूँ कुकिंग ऑयल, और उसके बाद नमक, और उसके बाद ये दाने, और आपके सामने पूरी वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड, ये देखा, ऑयल भी डाल दिया है, नमक भी डाल दिया है और कॉर्न भी इसमें चले गए हैं। और ये देखें, अब इसे ना मैं ढक्कन इसके ऊपर रखूँगी और मैं आपको ना इसकी आवाज़ और उसके बाद बताऊँगी कि किस तरह ये फूली है। एक भी दाना ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह कि ये फूले ना। ये देखें, जब इस तरह शुरू हो जाए ना आवाज़, तो आपने ना इसके ऊपर ना ढक्कन रख देना है, जैसे कि मैं रखने लगी हूँ। जी फ्रेंड, अभी आपको आवाज़ आ रही है ना, ये देखें, ये ऐसा कोई भी दाना नहीं रहेगा ना जो फूलेगा नहीं। आपने ना ज़्यादा, अब ज़्यादा बड़ा बर्तन हो तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, वरना आधा कप से ज़्यादा अपना ना इसमें ना डालें। ये देखें, यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी और आवाज़ सुनाना चाह रही थी। ये देखें, आवाज़ आ रही है ना बहुत अच्छे से। तो मैं ये इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि उन सब फ्रेंड के लिए जिन्होंने मुझे ना बार बार बोला है कि हमारे दाने फूलते नहीं हैं, कुछ फूलते हैं और कुछ रह जाते हैं, ये उन सब फ्रेंड्स के लिए। ये देखिए, अभी ये मुसलसल आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है मुसलसल। ये देखें, अभी रुक गई है, थोड़ी थोड़ी कम हो गई है। जी फ्रेंड, ये देखा, कोई भी दाना ऐसा नहीं है जो ना फूला हो ना, और आपने ना मीडियम, बिल्कुल मीडियम आंच रखनी है, ना हाई और ना स्लो। स्लो रखेंगे तो ये अच्छे से फूलेंगे नहीं, हाई करेंगे तो ये जल जाएंगे। ये देखा जी फ्रेंड, ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, माशाल्लाह से सारे फूल गए हैं और फाइनल में आपको लुक दिखाती हूँ। जी फ्रेंड, हमारे रेडी हो गए हैं। इसे आप इस तरह भी खा सकते हैं मूवी देखते वक्त, और इसे बनाती हूँ अभी पार्ट टू, जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ ना, उसमें आप गुड़ वाले बनाना बताती हूँ आपको। जी फ्रेंड, कैसे लगी आपको टिप्स और ट्रिक्स? फ्रेंड्स, खुश रहे, खुशियाँ बांटे, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।